देखिए बीपीएससी TRE1 में एक शिक्षक की नियुक्ति हुई थी और देखिए अब आप अब जाकर पता चल रहा है कि उनका डिग्री ही नहीं था। देखिए कितना शर्म की बात है कि बीपीएससी में जितना बीपीएससी TRE1 हो TRE2 हो जितना भी टीचर का बहाली हुआ समझे ना, ठीक से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ना, ठीक से कागज़ के कोई चीज़ ठीक से नहीं हुआ। और ईमानदारी पूर्वक बताया जाए तो बिहार में जितना भी जिला है जहाँ पर शिक्षक की नियुक्ति हुई है वहाँ पर सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो मैक्सिमम टीचर फर्जी निकलेंगे समझे। फिजिकली रूप से ही सिर्फ खाली कागज़ का जांच हो फिर वो यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट जाएगा कि कितना फर्जी है तो अलग वो निकलेगा, लेकिन सिर्फ फिजिकली रूप से कागज़ का जांच हो तो कितना टीचर फर्जी निकलेंगे। सोच लीजिए कि एक टीचर है गोपालगंज में है, देखिए गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि वो बीपीएससी TRE1 में ही नियुक्त थे और इंटर के बाद कोई कोर्स इन डिप्लोमा किए हुए हैं उसके बाद प्लस टू के टीचर बन गए, उसके लिए तो पीजी चाहिए तो किए नहीं, फिर भी वो इतना दिन से टीचर थे। सोच लीजिए इतना दिन का वेतन उठाए थे, अब बताइए कि कितना गलत बात है, शर्मनाक बात है कि कैसे कैसे टीचर नियुक्त हो गए। लिखा हुआ है तो फिजिकली मोड में ही सिर्फ जाँच हो तो कितना टीचर फर्जी निकलेंगे, उस सभी अब कितना टीचर सीटेड फेल है, कोई सीटेड पास नहीं है, बाहर के है उसको 90 नंबर चाहिए, 82 पर जॉब दे दिया है, ये सब क्या नौटंकी किया है। उसके चलते जो बच्चा है जिसका जॉब होना चाहिए वो भी इससे बाहर हो गए। लिखा है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज, लिखा है सेवा में मंटू मंझी रोल नंबर इतना 11th 12th कंप्यूटर साइंस के टीचर है DP हाई स्कूल माधोपुर बरौली में। अब देखिए जिला गोपालगंज में पढ़ता है, लिखा है विषय है कि स्पष्टीकरण या बचाव अभिकथन समर्पित करने के संबंध में, लिखा है कि महाशय उपयुक्त विषय अंकित करना है कि आपकी नियुक्ति वर्ग 11th 12th कंप्यूटर विज्ञान विषय में बीपीएससी TRE1 के तहत DP हाई स्कूल माधोपुर बरौली में की गई है। आपके प्रमाण पत्र सत्यापन और अवलोकन के क्रम में ज्ञात हुआ कि आपकी नियुक्ति इंटरमीडिएट के बाद सिर्फ डिप्लोमा कोर्स पर की गई है, तो आपके पास न तो स्नातक है ना ही स्नातक की कोई प्रमाण पत्र है। अब देखिए इनको मौका एक बार दिया गया है कि आप किए हैं तो उसको समर्पित कीजिए, नहीं तो फिर आप पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए अब मान लीजिए अभी सही होंगे तो अपना डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करेंगे और फिर नहीं होंगे तो फिर इन पर क्या कार्रवाई होगा जाने बिहार सरकार। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रमाण पत्र के आधार पर आपका नियुक्ति और नियोजन विधि सम्मत नहीं है, उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आप अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं बीपीएससी विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत प्रकाशित आवेदन के लिए शर्तों के विरुद्ध एवं विभागीय प्रावधान के प्रतिकूल आवेदन देने और नियुक्ति न होने के आरोप में आपको सेवामुक्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अपना स्पष्टीकरण सबमिट नहीं करेंगे तो फिर इन पर कार्रवाई होगा। इतना दिन वेतन उठाए सोचिए बीपीएससी TRE1 का कब नियुक्ति, सही होंगे तो चलिए ठीक बात है, लेकिन गलत होंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए। उसके जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति का बहाली होता उसकी तो सीट खाली हो गया, तो सिर्फ देखावा का बहाली हुआ लेकिन एक भी बहाली ठीक से नहीं हुआ। आप देखिएगा इतना फर्जी टीचर निकल रहा है, एक दो नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ, कितना शर्म का बात है कि और सब छोड़ दीजिए सेटिंग कितना हुआ वो अलग बात है, उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छा से नहीं हुआ तो कितना